हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी कहाँ जा रहे हैं भाई? जलमहल जा रहे हैं अभी हम लोग। यहाँ पे भयंकर ट्रैफिक का जाम हुआ है यार। ये देखो, दूर दूर तक पूरा ट्रैफिक जाम है यहाँ पे। तो हेलमेट पहन लेते हैं यार, चलान कट जाएगा। हेलमेट था नहीं भाई के पास, तो यही पिंक वाला हेलमेट पहनना पड़ा मुझे, जो था उसी में। तो अभी हम लोग चल रहे हैं जलमहल। जाम लगा हुआ ये आगे आगे का। और भाई तू भी चला रहा है ये देख लो। निकल चुका हूँ अभी, रास्ते में हूँ। टाइम लग जाएगा जाम के हिसाब से, तो लग रहा है कि काफ़ी टाइम लगेगा मुझे। तो गाइस अभी हम लोग चौड़ा रास्ता नाम जगह है बैपुर में, वहाँ पहुँचे हैं चौड़े रास्ते पे। देखो कितनी प्यारी जगह है, यहाँ देखो सारी लोकल मार्केट है, दुकान है यहाँ पे कपड़े वपड़े की, और मतलब वही कपड़े वपड़े की दुकान है। क्या है एक ही दुकान है ना भाई? कपड़े भाई बता रहे हैं यहाँ पे, यही सब की दुकान है कपड़े वगैरह की। क्या क्या चीज़ की भाई? कपड़े की और ज्वेलरी है, कपड़ा है, स्टोन है। ज्वेलरी, कपड़ा, फोन, स्टोन। अच्छा स्टोन। भाई बता रहा है, देखो भाई गाड़ी चला रहा है, भाई बता रहे हैं ज्वेलरी, कपड़ा, स्टोन, हर चीज़ की दुकान है यहाँ पे। जयपुर के लोकल मार्केट है ये। चौड़ा रास्ता नाम है ना भाई? हाँ। चौड़ा रास्ता नाम है जगह का। ये देखो चांदपोल की तरफ अभी अपन जा रहे हैं। चांदपोल साइड जा रहे हैं अभी अपने। कितना टाइम लगेगा भाई? टाइम का तो 5-10 मिनट लग जाएगी। 5-10 मिनट में चांदपोल पहुँच जाएंगे वहाँ पे। वहाँ से कितनी दूर है जलमहल? यहाँ से अभी जहाँ पे अपन खड़े हैं वहाँ से 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर दूर जलमहल है। 5-10 मिनट का रास्ता है चांदपोल पहुँचेंगे, वहाँ से 1-2 किलोमीटर और दूर जलमहल रहेगा। हवा महल पहुँच गए भाई, भयंकर धूप हो रही है, भयंकर जाम लग रहा था अभी यहाँ पे। ये देखो हवा महल। कहाँ जा रहे हैं? पंडित कुल्फी भाई। पंडित कुल्फी वाले के यहाँ जा रहे हैं अभी। यहाँ की जयपुर की फेमस दुकान है यहाँ पे पंडित कुल्फी वाले के यहाँ। जो ही कोई भी जयपुर आएगा भाई उसके यहाँ जाके मिल लेना। उसका मैं आपको नंबर, फ़ोन नंबर और लोकेशन एरिया सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो पंडित कुल्फी वाले का नाम है यहाँ पे, हवा महल के पास उसकी दुकान है। अभी वहाँ पर जा रहे हैं कुल्फी खाने के लिए। भाई मैं पहुँच गया हूँ पंडित कुल्फी वाले के। ये देखो पीछे ये दुकान रही इनकी, पंडित कुल्फी वाले की। ये रही, मैंने लिए नॉर्मल कुल्फी। भाई ने कौन सी ली है? पान वाली कुल्फी ली है भाई ने। अभी पंडित कुल्फी वाले के जो ओनर उनसे मिलवाता हूँ, उनका नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई भी इस साइड आए, जयपुर आए, तो प्लीज़ इनके यहाँ खा के जरूर जाना, बहुत प्यारी कुल्फी बनाई इन्होंने। भाई ने अपने क्या नाम है दुकान का आपके? पंडित कुल्फी वाले, देख लो जो भी आना प्लीज़ इनके यहाँ पे जरूर जाके आना। अभिषेक नाम है भाई का। भाई अपना नंबर देना मुझे, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाके इनके यहाँ पे आना, जरूर देखना भाई को, ठीक है? भाई को जरूर से देख लेना, इनके दुकान पे आना, ठीक है? भाई बोल, चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो भाई हम लोग कुल्फी वाले के यहाँ से निकल चुके हैं। 5 मिनट का और रास्ता है, फिर हम लोग पहुँच जाएंगे हवा जलमहल साइड। 5 मिनट पहुँच जाएंगे ना, 5 मिनट में जलमहल पहुँच जाएंगे। रास्ता पूरा खाली पड़ा है, जाम ये देख लो। 5 मिनट और है जलमहल पहुँच जाएंगे। सामने आप ही क्या है, शायद अभी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा दूर है, लेकिन मैं यहाँ से देख सकता हूँ। आप लोग को शायद ना दिख रहा हो, थोड़ा दूर लग रहा है यहाँ से, मोबाइल उतना दूर कैप्चर नहीं कर पाएगा। भाई बता रहा है अभी कि बस पहुँचने वाले हैं यहाँ पे, शायद चालू हो गया। ये इधर है, ये देखो गाइस। हम लोग फाइनली जलमहल पहुंच चुके हैं, और यहाँ पहुंच के ना
मैं क्या ही बोलूं यार आपको, इतना बड़ा स्कैम हुआ, बाहर घूमना पड़ रहा है रोडों पे, जलमहल पूरा बंद पड़ा है, जाने की एंट्री की परमिशन ही नहीं है। रुको मैं आपको क्लियर व्यू दिखा रहा हूँ यहाँ से, ये देखो ये बीच में है और यहाँ पे एंट्री की परमिशन नहीं है, सारे बंदे भाई यहाँ पे बीच में। ये देखो सरदार जी को, क्या सरदार जी तो बढ़िया भाई, यहाँ सब बीच में रोड पे ऐसे घूम रहे हैं, बीच में रोड के यहाँ पे एंट्री नहीं, सरकार अभी परमिशन बंद कर दी। मैं भी काफ़ी टाइम बाद आया था, भाई भी काफ़ी टाइम बाद आया था, किसी को नॉलेज ही नहीं थी और धूप बहुत तेज़ हो रही है ऊपर। ये देखो धूप इतनी तेज़ हो रही है यहाँ पे, परमिशन बंद। अब हम लोग का आगे क्या प्लान बन रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? आमेर। अब हम लोग यहाँ में जा रहे हैं आमेर का किला, जो यहाँ पे जयपुर के महाराजा का किला है आमेर फोर्ट, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली पानी आनी है ना, तो यहाँ पे काफ़ी केस वगैरह हो गए थे इसलिए बंद हो गया ये यहाँ पे। अंदर कोई बहुत VIP रहेंगे भाई तो वो जा सकते हैं। भाई बहुत गर्मी हो रही थी, नारियल पानी ले लिया है। क्या नाम है आपका? नाम बता दो, नाम बता दो। हाँ क्या कर रही है? नाम नहीं बता रही है। नारियल पानी लिया उनसे यहाँ पे इनके, ये कौन सा जगह यार ये, पानी जल महल के सामने इनकी दुकान है, यहाँ पे जो भी आना इनके हाथ से ले लेना। चेहरा दिखा दो अपना, हाय कर दो, हाय कर दो, शर्मा रहे यार, कोई बात नहीं। अगर गए तो हम लोग आमेर के किले के लिए निकल चुके हैं, नारियल पानी पी के उनके दीदी के यहाँ से आमेर के किले के निकल चुके हैं। यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर दूर है, अभी रास्ते में ही है, देख लो एकदम पहाड़ी रास्ता है मस्त एकदम, ऐसे रोड ऊपर जा रही है ऊपर की तरफ। गाइस आमेर के किले के गेट के अंदर घुस चुके हैं, ये देखो जो मेरे पीछे है, ये आमेर के किले का गेट है, अंदर जाने के लिए ये पहाड़ के रास्ते चालू हो चुके हैं यहाँ से। ये देखो अब ये रास्ता धीरे धीरे आमेर के किले तक हमें पहुँचाएगा, एंट्री गेट वहाँ से चालू हो चुका था। गाड़ी पार्किंग में लगानी पड़ेगी, फिर यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा चढ़ के। ये देखो पार्किंग एरिया आ गई है, तो गाइस गाड़ी पार्क में लगाते हैं अभी, उसके बाद फिर ऊपर चलते हैं। भाई पहुँच चुके हैं हम लोग आमेर के फोर्ट में, ये देखो पीछे पूरा व्यू, ये पीछे है ना मेरे, ये पीछे ऊपर में दिख रहा है, ये गणेश का मंदिर है, ये अपना आमेर का किला रहा। यहाँ पे काफ़ी थक चुके ऊपर चढ़ते चढ़ते, बहुत ऊपर हम चढ़े इसलिए मैं ऊपर चढ़ने की ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, ऊपर से भगवान जी चमक भी रहे हैं। यहाँ पे भुट्टे खाते हैं, अब यहाँ पे आंटी जी भुट्टे दे रही हैं, ये भुट्टे खाते हैं फिर करता हूँ। हाँ दे देना एक भाई, आंटी जी से भुट्टे लेते एकदम गर्म 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 भुट्टे ना आंटी। क्या नाम है आंटी आपका? मेरे नाम पढ़ ले, नाम पढ़ ले भाई, नाम नहीं बता रही, नाम पढ़ने कह रही हैं यार, समझ नहीं आ रहा। समर देवी, समंदर देवी, समंदर देवी नाम है इनका, समंदर ही है, डूब जाओगे इनके अंदर। समंदर देवी बेटा हमारा नाम, एक और पढ़वा ला हमारे बस बस बस, ताको पति लागे तमे डूब गयो प्यार में समंदर में। हां इनके पति इनके प्यार के समंदर में डूब गए थे। अरे लापो लाग रहा भाई, और चढ़ा यार मंदिर की, ये देखो अभी तो हमें और चढ़ना है ऊपर, अभी हम एक गेट पार किए, एक गेट और आ गए तब से, ये गेट रहा, ये क्या किला, तो भाई चढ़ाई खत्म हो गई यार, किला आ गया किला, ये देख लो किला, ये तो पड़ी है भाई। तो गाइस हम लोग फोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं, ये देखो मैं अंदर जा रहा हूँ, अब टिकट चेकिंग वगैरह करवानी है तो उसके बाद मिलते हैं, सामने टिकट चेकिंग होगी यहाँ पे। तो गाइस हम लोग फाइनली एंटर कर चुके हैं आमेर फोर्ट में, ये देखो पीछे एंट्री गेट है मेरे, एंटर कर चुके हैं, ये देखो यहाँ से भाई मैं बता रहा हूँ, अभी तो दिख नहीं रहा होगा इसमें, लेकिन यहाँ से पूरा पूरा ऑलमोस्ट पूरा जयपुर दिखता है, यहाँ से पूरा जयपुर देख सकते हो इस फोर्ट से। ये देखो दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा जयपुर, यहाँ से आपको आधे जा जयपुर यहाँ से आपको दिख जाएगा भाई, कि हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे, यहाँ जो सामने ये है, ये सामने ये क्या चीज़ है पत्थर,
गढ़ गणेश का मंदिर है जस्ट सामने महल के, जस्ट सामने महल का जहाँ राजा बैठते थे उसके जस्ट सामने गढ़ गणेश का मंदिर है। फिर ये पूरी उसकी दीवारें ही दीवारें हैं, वहाँ पे देखो वहाँ पे भी कोई महल है, वहाँ पे उधर भी कोई फोर्ट है, वहाँ पे भी कोई फोर्ट है, मतलब यहाँ चारों तरफ फोर्ट ही फोर्ट बने हुए हैं ये एरिया में। ये पूरा राजा महाराजा का यहाँ पे रहने रहने का था। ये देखो सामने, ये अंदर, ये महल का रास्ता है ना, ये अंदर सामने से यहाँ से ये महल का रास्ता है, सामने वाला महल का रास्ता है। ऊपर भी एक फोर्ट बना हुआ, वो कौन सा फोर्ट है वो तुम अभी क्या बता रहे थे, वो जो है चढ़ के जयगढ़ नाड़गढ़ फोर्ट है वो, वहाँ भाई जा नहीं सकते क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे ना बहुत एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, इसलिए वहाँ पे अभी हम लोग जा नहीं सकते हैं। जाएंगे अभी, दो तीन दिन का टाइम है, अगर होगा तो मैं वहाँ पे भी जा के आऊँगा। ठीक है तो गाइस आगे मिलते हैं, आगे अंदर चलता हूँ, अंदर की चीज़ें देखता हूँ। तो भाइयों ये जो जगह है ना, ये जगह देख लो आप लोग, ये जो जगह है यहाँ पे भाई बता रहा है कि यहाँ पे राजा की सभा बैठती थी, यहाँ राजा की सभा होती थी। और ये सब जो अभी आर्किटेक्ट किए हुए हैं ये अभी नए हैं, भाई बता रहा है कि जो उससे पुराने थे ये और सुंदर थे यहाँ के। और यहाँ पे दीवारों पे सोना लगा था, अब तो शायद सब उतर गए मेरे ख्याल से, सब उतर गए। अंदर अभी भी है वहाँ पे, वो जो है ना गेट, वहाँ से अंदर घुसते हैं, वहाँ पे सोना अभी भी शायद दीवारों पे लगा, अब तो कम हो गया होगा क्योंकि यार पता ही है पब्लिक के बारे में, ले फाड़ उखाड़ के घर ले जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, तो अभी शायद सोना कम हो गया है। लेकिन हाथ था, इसीलिए तो भाई राजस्थान फेमस है, राजा महाराजा किसके साथ, प्रूफ के साथ था भाई, पूरा प्रूफ के साथ है। अभी दिखाओगे भाई, कह रहा है प्रूफ के साथ दिखाएंगे, अंदर सोना भी था वहाँ पे, सोना होगा भाई, मुझे जाएंगे अंदर तो पता चलेगा, अंदर चलते हैं अब भाई। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ की आप कारीगरी जिसको बोलते हैं ना आर्ट, यहाँ का देखोगे तो आपको भाई मज़ा आ जाएगा। ये देखो यहाँ का आर्ट देखो, और भाई जितनी पीली पीली चीज़ें दिख रही ना यहाँ पे, ये पीली पीली गोल्ड गोल्ड टाइप की, ये सब ओरिजिनल सोना है, सब ओरिजिनल सोना है ना, अभी क्या निकाल देंगे। ये देखो ये जो गोले बने ना, ये गोले वाले सोने तो अच्छी है, ये गोल पे जो सोना है ये असली सोना है भाई। चलो अभी और भी किले हैं, और भी अंदर रूम वगैरह वहाँ पे भी जाना है अभी, तो यहाँ से चलते हैं सामने वाले में, उसमें चलते हैं। यहाँ का तो मैं आपको दिखाई दिया हूँ, ये देख लो पूरा, यहाँ चलते हैं। और ये जो सामने बगीचा दिख रहा है ना, यहाँ पे पहले केसर की खेतियाँ होती थी गर्मी में, इतने धूप में, वैसे केसर ठंडी में उगता है, पता नहीं कैसे होती थी, बट यहाँ पे मैंने लोगों से पूछा तो बोल रहे थे कि यहाँ पे पहले केसर की खेती होती थी यहाँ पे, इस जगह पे। यहाँ पे एरिया प्रोहिबिटेड है, यहाँ पे जा नहीं सकते आप अंदर अभी भी। तो ये जगह है, ये पूरा यहाँ पे शायद ये वाला रानी का महल है ना, रानी का रूम है ये, रानियों का रूम है, राजा रानी का यहाँ पे रूम है। अभी फोर्ट और ऊपर तक भी, सामने भी फोर्ट है, ये भी है, ये देखो। अब हम लोग उधर वाले में अभी हम लोग चलेंगे, पीछे वाले में मेरे, फिर पीछे वाले में जाने के बाद फिर ऊपर जाएंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या प्रोग्राम होता है। बाहर निकल रहे हैं यहाँ से, ये पूरी गुफा टाइप की बनी हुई है एक तरह से, ये हम लोग बाहर निकल गए यहाँ पे गाइस। तो अभी हम लोग आमेड़ के किले के सबसे टॉप वाले फ्लोर पे हैं, मैं यहाँ से आपको बाहर का व्यू दिखा, ये देखो बाहर का व्यू, सामने भी राजा किला है, फोटो क्लियर नहीं आ रही क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है यहाँ पे नहीं तो भाई एक नंबर व्यू है यहाँ पे। और इतना बड़ा है कि हमें खुद ही नहीं पता हम किस सीढ़ी से आए थे, किस रास्ते पे जा रहे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं, बस लोगों के साथ साथ हम चले जा रहे हैं। तो अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं, शायद एक जगह ऊपर और है, अभी वहाँ पे जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे कैफे कॉफ़ी डे जो आमेड़ फोर्ट के अंदर है वहाँ पे आए हैं कॉफ़ी पीने, काफ़ी थक गए थे तो यार पानी भी नहीं मिल रहा था यहाँ पे, तो हमने बोला कॉफ़ी और कॉफ़ी पी लेते हैं यहाँ पे, चलते कॉफ़ी लेने। कितना भाई मैं दे रहा हूँ ना, नहीं रहने तो मैं दे दे रहा हूँ, मेरी कॉफ़ी आ गई है, अब कॉफ़ी पी के घर निकलते हैं, मुझे पार्सल लगाना लेट हो रहा है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूँ कि ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।